हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू के सिलेबस के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, डिमांड की, सर एग्ज़ाम से पहले सिलेबस को एक बार रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, सिलेबस को एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए, उसके एक एक पॉइंट्स को अपने दिमाग में बिठाइए। यहां से अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, वो आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, वरना बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए मैंने प्लान किया कि आज के सेशन में मुकम्मल सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यूनिट वन, यानी यहां पे पूरे सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहले यूनिट है तारीख जुबान उर्दू। तारीख जुबान उर्दू में हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख आपको पढ़नी है। जैसे हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया गया, ये आपको मालूम है। कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई। अब कदीम हिंद आर्याई कब से कब तक माना जाता है? 1500 कबल मसीह ता 500 कबल मसीह। वस्ती हिंद आर्याई 500 कबल मसीह ता 1000 ईस्वी। ऐसे जदीद हिंद आर्याई 1000 ईस्वी ता जमाने हाल। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसे देखिए, प्राकृत के माना क्या होते हैं? फितरी जुबान के। अभ्रंश की माना क्या है? जुबान का, बिगड़ी हुई जुबान के। खड़ी बोली के औसाफ क्या है? ये आपको मालूम होने चाहिए। उर्दू की इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया क्या है? पंजाब में उर्दू, किसकी किताब है? महमूद शीरानी की है। यानी उर्दू की इब्तदा पंजाब में हुई का जो नज़रिया है वो महमूद शीरानी का है। नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया क्या है? मसूद हुसैन खां, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू। सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया है, उर्दू की जाय विलादत सिंध है। शौकत सब्जवारी का ऐसे नज़रिया क्या है? तो उर्दू की इब्तदा के बारे में इनके नज़रियात से आपको बाखबर होना होगा। इसके बाद देखिए, उर्दू का इब्तदाई ज़माना, इसके बारे में पढ़िए। उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर, दक्कनी उर्दू की लिसानी खसूसियात। इसमें आप देखिए, सबरस के बारे में मालूम होना चाहिए। सबरस मुलावजी की एक तमसीली दास्तान है। कुतुब मुश्तरी मुलावजी की मसनवी है। कुली कुतुब शाह के बारे में पढ़ना है। वली, सिराज, औरंगाबादी, इनके बारे में रीड कीजिए। अब उसके बाद है कि उर्दू और उसकी अहम बोलियां कौन कौन सी हैं। उर्दू की बहुत सारी अहम बोलियां, जैसे आप सब लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा होगा, मगरबी हिंदी। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? 5 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। हरियाणवी के और भी नाम हैं, जैसे बांगड़ू भी कहते हैं और उसको जाटू भी कहते हैं। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उर्दू की लिसानी इनफरादियत, उर्दू सौतियात, फोनीमियात, उर्दू मार्फीमियात, उर्दू नहवियात, उर्दू मानियात। अब यहाँ पे नहवियात किसे कहते हैं, लिसानियात किसे कहते हैं, मार्फीमियात किसे कहते हैं, इनकी तारीफात, इनकी डेफिनेशंस आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़िए हम लोग। तो ये हो गया यूनिट वन। यूनिट टू में देखिए, उर्दू की शेरी असनाफ है। उर्दू की शेरी असनाफ है तो कसीदा, कसीदा का फन यानी कसीदा के बारे में आपको मालूम हो। कसीदा की डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है, कसीदा की लगवी माना क्या है, कसीदा की जुबान का लफ्ज, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उर्दू में कसीदा की इब्तदा कैसे हुई, उसका आगाज इर्तका कैसा हुआ है, उसकी तारीख क्या है, ये भी आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का कसीदा है। हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी तजहीक के रोजगार। तो ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि ये दोनों कसीदे किसके हैं। तो आपकी जुबान पर कौन सा नाम आना चाहिए? सौदा का। आगे देखिए, शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक का कसीदा है। जहे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, है मेरी आंखों में अशकों के तमाशा गौर। ये दोनों ही कसीदे किसके हैं? शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक के हैं। ऐसे ही मसनवी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, मसनवी का फन क्या है और मसनवी का फन और इर्तका। कुछ अहम मसनवी आपके सामने दी गई हैं, तो मसनवी किसकी है, मसनवी निगार कौन है, आपको क्लियर हो। जैसे निज़ामी बेदरी की मसनवी है कदम राव पदम राव, मुल्ला वजीह की है कुतुब मुश्तरी, इब्ने निशाती की है फूलबन, अफजल झंझानवी की है बिकट कहानी, मीर हसन की है सहरु बयान, दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम।
तो इनके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर, ये मसनविया किसकी है ये तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए मरसिया है, मरसिए का फन और उसका इर्तिका। उर्दू के हैं मरसिया निगार और उनके मरसिए, जैसे मिर्जा बबर अली अनीस। नमक खां तकल्लुम है फसाहत मेरी। मिर्जा सलामत अली दबीर। जैगम डकार ता हुआ निकला कछार से। मिर्जा गालिब मरसिए आरिफ। जमील मजहरी जुम्बिश से मेरे खाम अफसू तरास की। आप देखिए जुमरे वाले क्वेश्चन बना के आपको ये सब दिए गए हैं, चाहे मसनविया हो चाहे कसीदे हो या मरसिए हो, एग्जाम में ये सब चीजें पूछी गई हैं, प्रीवियसर क्वेश्चन उठाइए आप। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सिलेबस को आप जरूर देखिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यूनिट 3 में देखिए उर्दू गजल, गजल का फन और इर्तिका। उर्दू के अहम गजल को शोरा और उनकी शायरी। वली को आपको पढ़ना है, वली की कौन कौन सी गजलें पढ़नी यहाँ पे दे दिया गया है। मीर इंतखाबे मीर में से जो कि मौलवी अब्दुल हक उसके मुरतब हैं, 20 गजलें किताबें पढ़नी है। गालिब के दीवाने गालिब में से कौन कौन सी 5-5 गजलें आपको पढ़नी है, रदीफ आपको दे दिए गए हैं। ऐसे मोमिन के बारे में दीवाने मोमिन की गजलें, शाद अजीमाबादी कुल्याते शाद में से, हसरत मोहानी कुल्याते हसरत, फ़ानी बदायूनी कलाम फ़ानी, जिगर मुरादाबादी का मजमे कलाम आतिशे गुल, ये याद रखिए। UGC नेट एग्जाम का क्वेश्चन है, पुराने पेपर उठाइए, पूछा गया था कि आतिशे गुल किसका शहरी मजमुआ है, तो सीधे जवाब क्या हो जाएगा, जिगर मुरादाबादी। ऐसी असगर गोंडवी का शहरी मजमुआ है निशाते रूह, तो आपको याद हो कि निशाते रूह किसका शहरी मजमुआ है, असगर गोंडवी। यगाना चंगेजी का है आयाते विजदानी। गुले नगमा फिराक गोरखपुरी का है। गजल मजरूह सुल्तानपुरी का है। वो जो शायरी का सबब हुआ कलीम आजिज, इसमें आजम शहरयार, इश्क नामा इरफान सिद्दीकी। तो यहाँ से देखिए बिलखसूस ये जो शहरी मजमूए दिए गए हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कंफ्यूज हो रहे हैं आप, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके अलावा जो शेरी मजमूए हैं उन्हें भी आपको प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए उर्दू की नज्में आपके सामने हैं। नज्म की सिन्फी शनाख्त। उर्दू में नज्म निगारी का आगाज इर्तिका। उर्दू के अहम नज्म निगार और उनकी नज्में। अब आपको मालूम होना चाहिए कि नज़ीर अकबर आबादी की कौन सी नज्में आपके निसाब में शामिल है। मुफलिसी है, आदमी नामा है, बंजारा नामा है, ये तीनों किस हैयत में है, मुहम्मस की हैयत में है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद शब कदर और सुबह उम्मीद। अल्ताफ़ हुसैन हाली नशात उम्मीद बरखारुत मुनाजात बेवा। इस्माइल मेरठी की कौन सी नज़में हैं, खुदा की सनात और आसार सल्फ। ऐसी अकबर इलाहाबादी की कौन कौन सी नज़में हैं, फर्जी लतीफ़ा, बरक कलीसा, दरबार दहली। ब्रज नारायण चकबस की रामायण का आखिरी सीन, खाके हिंद, हुब्बे वतन। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल की कौन कौन सी नज़में हैं, लाले सहराई, शुआए उम्मीद, साकी नामा, दौको शौक, लेनिन खुदा के हुजूर में। जोश मलिहाबादी की नज़म है, किसान, जंगल की शहजादी, शिकस्त जिंदा का ख्वाब। ऐसे मीरा जी की नज़में हैं, कलर का नगमे मोहब्बत, जात्री, समंदर का बुलावा। फैज़ अहमद फैज़ की नज़में हैं, तन्हाई, सुबह आज़ादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब नमा। अख्तरुल ईमान की नज़म है, एक लड़का, पगडंडी, बाज आमद। मखदूम मुहियुद्दीन की नज़म है, चाँद तारों का बन, हवेली, इनकलाब। अब देखिए इनकलाब के नाम से ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नावल है, तो आप चीज़ों को रिलेट कीजिए ऐसे। नून मीम राशिद, हुस्न कोजागर मुकम्मल, साहिल लुधियानवी, चकले, ताजमहल, गुरेज, शफीक फातमा शेरा, बाजियाबी, बाजदश्त। तो ये नज़में बिल्कुल आपको मालूम होने चाहिए, किसी नज़म में ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये नज़म किस शायर की है, इतनी बार इनको पढ़िए कि बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू दास्तान और ड्रामा। दास्तान का फन और रिवायत अहम दास्तान है, जैसे सबरस किसकी दास्तान है, मुल्ला वजही की। करबल कथा फजल अली खां फजली की। रानी कैद की कहानी इंशाउल्लाह खानशाह। बाग बहार मीर अमन। फसान अजायब रजब अली बेग सरूर। बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल। ड्रामे देखी दिए गए हैं। इंद्र सभा किसका ड्रामा है, अमानत लखनवी का। यहूदी की लड़की आकाश कश्मीरी का। अनारकली इम्तियाज अलीताज का। आगरा बाजार हबीब तनवीर का।
ज़हाक मोहम्मद हसन का। यूनिट 6 नावल और अफसान। नावल का फ़न और उसका आगाज़ इर्तिका। उर्दू के अहम नावल नगार और उनके नावल। फसाने आज़ाद किसका नावल है? पंडित अतरनाज सरशार का। तौबतुन्नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का। फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरण का। उमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हाद रुस्वा का। गौदान प्रेमचंद का। टेढ़ी लकीर इसमें चौथई का। एक चादर मैली सी बेदी का। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। बस्ती इंतज़ार हुसैन का नावल है। फायर एरिया इलियास अहमद गदी का नावल है। तो ये नावल हैं, आपको मालूम होने चाहिए कौन सा नावल किस नावल निगार का है। आगे बढ़िए। अफसाने का फ़न और उसका आगाज़ इर्तिका। उर्दू के अहम अफसाना निगार और उनके अफसाने। जैसे वारदात किसका अफसानी मजमुआ है? प्रेमचंद का। ठंडा गोश किसका है? मंटो का। हम वाशी हैं किसका है? कृष्णचंद्र का। अपने दुख मुझे दे दो राजन सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है। और भी देखिए अहम अफसानी मजमुए हैं। चोटें किसका है? इसमत चौतई का। एक लड़की किसका है? ख्वाजा अहमद अब्बास का। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर का। अलाव सुहेल अजीमाबादी का। रास्ता बंद है जीलानी बानो का। बिजुका किसका अफसानी मजमुआ है? सुरेंद्र प्रकाश का। बाबा लोग किसका अफसानी मजमुआ है? गयास अहमद गदी का। तमाशा घर किसका अफसानी मजमुआ है? इकबाल मजीद का। क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ते हम लोग। यूनिट 7 तनकीद व तहकीक। तनकीद की तारीफ क्या है और उसकी अहमियत। तज़किरों की तनकीदी अहमियत यानी उर्दू के अहम तज़किरे। जैसे उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा है? निकातुश्शुअरा। निकातुश्शुअरा जो है उर्दू का पहला तज़किरा है। किसका तज़किरा है? मीर तकी मीर का। तो उर्दू के जितने भी अहम तज़किरे हैं उनके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। मशरिकी तसव्वुर तनकीद। अरबी शेरियात में सलाम लाजमी, इबन कुतैबा, क़ुदामा इबन जाफ़र, इबन रशीद, इबन खुलदून, अब्दुल क़ादिर जुर्जानी। ये नाम आपको याद हो कि कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इनमें से किसका ताल्लुक अरबी शेरियात से है या नहीं है। फारसी शेरियात में देख लीजिए अमीर केकाउस, इबन इस्कंदर, इबन काबूस, रशीदुद्दीन वतवात, शम्स कैस राजी, उरूजी समरकंदी। संस्कृत शेरियात में भरत मुनि, अभिनवगुप्त, आनंद वर्धन, आचार्य शंकर। मगरबी तसव्वुर तनकीद नकद। अफलातू, अरस्तू, लॉन जाइनस, आई रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, टी एस एलियट। दविस्तान तनकीद में क्या क्या पढ़ना आपको है? तासुराती, मार्क्सी, जमालियाती, नफ्सियाती, साइंटिफिक, मतनी, हयाती, उसलूबियाती। उर्दू के अहम नाकदीन। नाकदीन आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है कि इनमें से किसका ताल्लुक उर्दू के अहम नाकदीन में से है या मुहक्किकीन में से है। तो नाकदीन के नाम और मुहक्किकीन के नाम बिल्कुल आपको क्लियर होने चाहिए जो आपके निसाब में शामिल है, ताकि इस तरह के जो टिपिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले उन्हें आप आसानी के साथ में हल कर जाए। देखिए नाकदीन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, इमदाद इमाम असर, शिबली, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सरूर, मोहम्मद हसन, शमशुररहमान फारूकी, गोपी चंद नारंग, शकीलुररहमान, वज़ीर आगा, मजनू गोरखपुरी, शबीनुल हसन। ये उर्दू के अहम नाकदीन में। उर्दू के अहम मुहक्किकीन में देख लीजिए मोहीउद्दीन कादरी ज़ोर, काजी अब्दुल वदूद, मौलवी अब्दुल हक, इम्तियाज़ अली उर्शी, रशीद हसन खां, ज्ञान चंद जैन और जमील जालवी। तो ये दोनों तरतीबें आपको अच्छे से याद हो, इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि पता नहीं इसका ये मुहक्किकीन में आते हैं या नाकदीन में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 8 में देखें गैर अफसानवी नसरे। सवानह और खुदनविश्त। सवानह निगारी का फ़न और आगाज़। अब बात आ गई सवानह निगारी की तो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे उर्दू के अहम सवानह निगार और उनके सवानह। अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है हयात जावेद। अलामा शिबली की अलफारुक। अब हयात जावेद हाली की, इसके अलावा हयात सादी भी हाली की है, हयात सादी भी है। यादगार गालिब भी किसकी है? हाली की है। हयात सादी सबसे पहले आपने लिखी है 1886 में लिखी है, यादगार गालिब उसके बाद में 1897 में, हयात जावेद 1901। इस तरह से चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। खुदनविश्त ऑटोबायोग्राफीज़ में देखिए अख्तरुल ईमान की इस आबाद खराबे में, आलम सुरूर की ख्वाब बाकी हैं, मसूद हुसैन खां की वरूद मसूद,
इसके अलावा भी जैसे यादों की बारात किसकी खुदनविश्त है, आपको मालूम होना चाहिए जोश मलिहा बादी की है। यादों की बारात किसकी है? जोश मलिहा बादी की। अपनी तलाश में, अपनी तलाश में किसकी खुदनविश्त है? कलीमुद्दीन अहमद की। किसी खुदनविश्त है? कलीमुद्दीन अहमद की। चलिए इसके बाद देखिए, उर्दू में मकतूब निगारी का फन और उसका आगाज इर्तिका। उर्दू के अहम मकतूब निगार मिर्जा गालिब उर्दू मुअल्ला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गुबार खातिब। इसके अलावा भी गालिब का जो पहला खतूत का मजमुआ है वो है उदे हिंदी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और भी अहम खतूत के मजमुए हैं, जैसे मन आनम किसके खतूत का मजमुआ है, सुलेबी मेरे दरीचे में ये किसके खतूत का मजमुआ है, ठीक है जी, सुलेबी मेरे दरीचे में किसके, नकूश जिंदा ये किसके खतूत का मजमुआ है, जेरे लब किसके खतूत का मजमुआ है, तो ये भी आपको मालूम होने चाहिए। मन आनम फिराक गोरखपुरी, सुलेबी मेरे दरीचे में फैज अहमद फैज, नकूश जिंदा सज्जाद जहीर का है, जेरे लब सफिया अख्तर। आगे बढ़ते हैं, उर्दू के हैं मजमून निगार सर सैयद अहमद खां, मजामीन सर सैयद। इंशाइयों के ताल्लुक से देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे, सज्जाद हैदर यलदरम के इंशा का इंशाइया है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, कन्हैया लाल कपूर का है गालिब जदी शोरा की महफिल में और चीनी शायर, रशीद अहमद सिद्दीकी चारपाई वकील साहब। अब रशीद अहमद सिद्दीकी की भी खुद नविश्त है, रशीद अहमद सिद्दीकी खुद नविश्त कौन सा है? आशुफ्ता बयानी मेरी, तो ये भी आपको मालूम हो, आशुफ्ता बयानी मेरी। पतरस बुखारी लाहौर का जुग्राफिया साइकिल की सवारी, अहमद जमाल पाशा कपूर का फन शामत अमाल, मुश्ताक अहमद यूसफी जुनून लतीफ़ा घर में आना मुर्गियों का। अब खाका देखिए, मौलवी अब्दुल हक का खाका है नाम देवमाली, याद होना चाहिए। रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका है कुंदन, फरतुल्ला बेग का खाका है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। उर्दू के और भी बहुत सारे अहम खाके, जैसे खाका दोज़खी इसमें चौथाई का है, नोट कर लीजिएगा। उर्दू के अहम सफ़रनामे, सर सैयद अहमद खां का सफ़रनामा है मुसाफिरान लंदन, शिवली का है सफ़रनामा रोम मिस्र शाम, इब्न इंशा का इब्न बतूता के ताकुब में, मुश्तबा हुसैन का है जापान चलो जापान चलो। चलिए अब आप सब लोग एक सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, साहिल व समंदर किसका सफ़रनामा है, साहिल व समंदर किसका सफ़रनामा है, जवाब दीजिएगा कमेंट में। आगे बढ़ते हम लोग, यूनिट 9 में देखिएगा, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, दारुल तर्जमा उस्मानिया। उर्दू में इस्लाही जुबान की रिवायत, उर्दू में ईहाम गोई, उर्दू अदब में रुमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद अदबी तहरीक, हल्के अरबाब दौक, जदीदियत, माबाद जदीदियत, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 10 में देखिएगा, रुबाई क्या है, क़िता क्या है, शेर आशोब क्या है, वासोक किसे कहते हैं, तजमीन क्या है, मुस्तजात क्या है, मुसलस क्या है, मुरब्बा क्या है, मुखम्मस क्या है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना। जैसे हाइको क्या है, हाइको एक जापानी सिन्फ सुखन है, तराइले क्या है, फोरासी किसे कहते हैं, तबसरा, रिपोर्टाज, पैरोडी। इसके बाद देखें, रेडियो फीचर, इदारिया निगारी, कॉलम निगारी, मंजरनामा, स्क्रिप्ट राइटिंग और कॉमेंट्री, इन सब के बारे में कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज आपके पास में जरूर होना चाहिए। और कोशिश करो कि डीप में आप पढ़ें, ताकि जो मुश्किल क्वेश्चन आए वो भी आपको हल हो जाए, उनको भी हल करने में आपको परेशानी ना हो। तो ये था आपका यूजीसी नेट का सिलेबस।